मैथ्स की भी कहना है इनके पास, मैथ्स करेंगे। एग्जाम्पल नंबर टू, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स माइनस टू स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री। सो इसे क्या लिखा जा सकता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू एक्स टू, टू ए बी होगा कि नहीं, आइडेंटिटी लगा लो, प्लस वन इज इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री। सो एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स प्लस वन माइनस टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो बोलो क्या क्या आ गया, ये माइनस फोर एक्स है, ये माइनस टू एक्स है, तो ये कितना हो गया माइनस सिक्स एक्स, और इन सबको जोड़ो फोर फाइव, फाइव प्लस थ्री एट, सो दैट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको कुछ नहीं करना है, जबरा लगा के सॉल्व कर लो, आइडेंटिटी निकाल लो और सिंपलीफाई कर लो डाली भी। लेकिन मोस्टली लोग मैथ में आए, लोगों के पास मैथ नहीं है, ऐसा है मैथ, तो ठीक है मैथ से करो, कहीं पर इनके साथ बैठ जाओ, इनको साथ बैठा दो, मैं भी साइंस में चलो। सर वो पहले तो क्वेश्चन लिखवा के उनका क्या उनका करा देंगे, ठीक है इनके में आ रहा है, ये छोटे को करा, मैं आ रहा है आपके नहीं आ रहा है। आगे देखो छोटा चैप्टर है, बहुत सेकंड क्वेश्चन देखें, सर एक और समझा सकते इसको, पढ़ लिया हाँ, ए माइनस बी स्क्वायर के बाद में देखो बाकी चीज इधर ले आए, सॉल्व कर ले बाकी चीज इधर ले आए, हाँ हाँ खुद करो सर, सेवन होगा ना, आपने एट कैसे देख लिया, फोर प्लस थ्री सेवन होगा, फोर प्लस टू ठीक कर रहे हो, अच्छा वन भी तो है, क्या फोर प्लस थ्री प्लस वन। अब आगे देखो नेक्स्ट इज एक्स, वो खुद ही कर लो तो पता चल जाएगा, इसको इधर ले आए सॉल्व कर लिया, और एक्स एक्स प्लस वन प्लस एट इट इज इक्वल टू एक्स प्लस टू एंड एक्स माइनस टू, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए, बोलो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर हुआ। अब सब चीजें इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एट माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एट पहले नहीं लिख सकते, जो है ये इधर काम में लिख दिया उसको इधर ले आए, अब एक्स स्क्वायर कट गया, तो ये क्या आ गया एक्स प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो इज not a quadratic equation। सर कैसे, अच्छा क्योंकि ये quadratic equation नहीं है, LHC is not equal to quadratic, ऐसी बात नहीं है, degree 2 कहाँ है, और LHS करने लग गए कहाँ square की टर्म है, और x 2x plus 3 which equals to x square plus 1, तो 2x square plus 3x is equals to x square plus 1, सारी चीजें इधर ले आइए, तो 2x square minus x square plus 3x minus 1 is equals to 0, सब चीजें इधर ले आए, minus x square भी ले आए minus 1 भी ले आए, तो बोलो यहाँ से कितना आएगा x square plus 3x minus 1 is equals to 0 is a quadratic equation, ठीक है ओके। फोर्थ देखिए, थर्ड देखो 2x square plus 3x minus x, अब ये चीजें इधर ये सारी चीजें हैं, इसको इधर लाओ minus x square और 1 को भी दे रहा x plus 2
ये बहुत इजी नहीं है, दैट इज एक्स क्यूब माइनस फोर है, ठीक है। तो बोलो एक्स प्लस टू का क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी का क्यूब का क्या फॉर्मूला, ए प्लस बी का क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। तो इसको यूजिंग करो तो क्या होगा बताओ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी स्क्वायर थ्री एक्स स्क्वायर प्लस प्लस थ्री ए स्क्वायर बी, बोलो सही है, इट इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और माइनस फोर क्या क्यूब से क्यूब कटा, यस सर, क्योंकि दोनों का सेम साइन है, यस सर। तो ये एट प्लस ट्वेल्व एक्स प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर, और ये भी इधर ले आओ माइनस एक्स क्यूब प्लस, अच्छा मतलब प्लस हो गया, तो बोलो सिक्स एक्स स्क्वायर पहले लिखा प्लस ट्वेल्व एक्स प्लस ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व एक्स प्लस ट्वेल्व भी लिखा, एक्स नहीं लिखा सर, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स और प्लस 12 इक्वल्स टू 0, तो इससे 6 को कट कर दो, और ये प्लस 2x और प्लस 2 इक्वल्स टू 0 आ गया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सिंपलीफाई करना था 6 से जरूरी था, ये समझ में आई बात नहीं, इसकी सिंपलीफाई हमने कर लिया है, जरूरी होता है सिंपलीफाई करना, सिंप्लीफाई करना तो जरूरी होता है। अब जरा देखो कि फर्स्ट से एट तक के क्वेश्चन करिए, एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट सवाल करो, अब कोई फॉर्मूला हो क्यूब का आंसर पूछो, मान लो जैसे a माइनस बी के पास गए, a माइनस बी का क्यूब क्या होता है, अरे सर ये सब तो पता है, a प्लस बी क्यूब है, a माइनस बी क्यूब का भी लिख देते हैं, a माइनस बी क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी ए माइनस बी, अभी और खोल लेना, चलो नाउ अभी बता रहा हूँ, एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करो, फर्स्ट टू एट पार्ट, सर ए माइनस बी क्या बोल रही हूँ, का यही होता है श्योर है ना सर, श्योर यही होता है ना, ए माइनस बी का यही होता है सर, ये फर्स्ट क्वेश्चन देखिए सर आपने गलत लिख दिया, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू, प्लस वन कहाँ से आ गया, हो सकता है बिल्कुल की बात होती है, आप कहाँ पे अभी अभी आए क्या, इस वाले में सिक्स रिवाइव कर दिया, हाँ इनटू 1/6 कर दो ना, अच्छा फॉर्मूला का डायरेक्ट लिखते हैं आंसर, चलो सर ऐसे डायरेक्ट लिख दिया आपके पूरा इसको एक बार से सर सिंपली कर सर, हाँ सर सर फॉर्मूला
ए प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला होगी ए माइनस बी स्क्वायर, लेकिन यह प्लस समझ में
एक ऐसी आप लोग भी आ गई अरे क्यों ये द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया कितना है द लेंथ ऑफ प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स बात मत करो 2x माइनस 1 तो ब्रेथ कितनी है 2x प्लस 1 2x अच्छा ब्रेथ और एरिया का क्या फॉर्मूला होता है एल इनटू बी इज इक्वल टू एरिया जब ये कितना दिया है 528 मीटर पर सेकंड सो इट इज 2x + 1 into x that is equals to 528 so 2x square plus x is equals to or minus इधर ही ले लो 528 is equals to 0 हो गया ठीक है अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है इसको इसमें multiply करो तो 528 into 2 तो 16 अभी कितना हो जाएगा ठीक है और 2 5 10 तो कितना हो गया 1056 हो गया सो हम इसको निकालेंगे क्यों निकालेंगे क्योंकि अभी एक्सरसाइज में कहा कि इन सब के आंसर निकालो सॉल्व सर ये चैप्टर तो आ नहीं रहा एग्जाम में देख लीजिए ये इसमें क्या बताया गया रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और फिर आगे इसको सॉल्व भी करने को कहा गया है कौन सा नहीं आ रहा ये 1 और 2 आ रहा है 1 और 2 आ रहा है इनके में आ रहा है ना सो ये चीज आ गई कि नहीं 1056 सो 2 दैट इज 528 है फिर 2 से करिए फिर 2 से करो 132 फिर 2 से करिए 66 फिर 2 से 33 11 और 3 से 11 हो गया अब इसमें ऐसा करें देखो 2 2 4 4 ये क्या इतना 32 है और ये 33 है सही है तो इसके 2x स्क्वायर प्लस 32x और माइनस स्प्लिटिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इससे 32 बन गया और इससे 33 बन गया 32 टू 33 फाइनल तो फिर क्या हुआ बताओ x अगर कॉमन लिया तो कर 2x + 33 32 तो अब यहां 32 कॉमन नहीं आएगा 16 कॉमन आएगा तो यू फाइंड द 2x - + 33 ये देखो यानी आपने इसमें x कॉमन ले लिया तो फिर क्या हुआ 2x + 33 अब यहाँ पर अगर x कॉमन 2x कॉमन 16 कॉमन लो तो क्या आएगा बताओ 2x और 16 से ये भी डिवाइड हो जाता है 16 3 जा 48 और फिर 4 8 और बचेगा तो 16 3 जा 48 फिर से आ जाएगा तो अब हमारे पास क्या क्या चीजें आ गई x - 16 और 2x + 33 इज इक्वल टू 0 तो इसका क्या मतलब हुआ हमारी या तो x माइनस 16 0 है या 2x प्लस 33 0 है तो बोलो x कितना हुआ 16 या फिर 2x कितना हुआ x इज इक्वल टू 33/2 माइनस 33/2 जो कि रिजेक्टेड है क्यों लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती लेंथ क्या होनी चाहिए लेंथ या ब्रेथ पॉजिटिव होनी चाहिए तो ब्रेथ कितनी हुई That is 16 meter और length. आपने तो बोला सर length minus 33. 2x plus 1. 33. ठीक है. So that is 32 plus 1. सर इसका test मत लीजिएगा. हाँ ठीक है. इतनी बात समझ में आ गई. हाँ. So it is 33 meter. Okay. अब जरा देखो.
सो लेंथ मेथड आप इसके बाद में लिख लीजिए। तो आगे बैठ जाइए, यहाँ बैठो ना, है नहीं यहाँ से अगर ठीक जगह बैठेंगे तो ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 306। क्वेश्चन नंबर 3, दो लगातार इंटीजर कौन कौन से हो सकते हैं? x और x प्लस 1 हो सकता है, और उनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? थर्ड क्वेश्चन, सेकंड का सेकंड। सो लेट टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या है? x एंड y, x प्लस एंड x प्लस 1, x एंड x प्लस 1 इंटीजर्स हैव x एंड x प्लस 1, और इनका प्रोडक्ट क्या है? 306। तो बोलो x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 का ये जीरो हुआ? इसका मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर ले लिया, अब 306 का आप प्राइम मल्टीप्लिकेशन करिए, 152, तो 2 से करिए 153 हुआ, और 153 को 3 से करो क्या 51 हुआ, और 17 51। अब इसे आप बनाइए, 3 जा 9 2 जा, और ये 17 है, क्या बन जाएगा x? तो x स्क्वायर प्लस इन तीनों को एक साथ कर दो, तो बोलो प्लस 18x और माइनस 17x, और 306 इज इक्वल टू 0, यदि x कॉमन ले लिया जाए और यहाँ से 17 कॉमन ले लिया जाए, x प्लस 18 तो 0 हो जाएगा, तो x माइनस 17 और x प्लस 18 इट इज इक्वल टू 0, तो बोलो x माइनस 17 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 17 हो गया। क्या क्वेश्चन में पॉजिटिव इंटीजर की बात की गई है या नेगेटिव की? पॉजिटिव की अगर की गई होगी तो नेगेटिव रिजेक्ट कर देंगे, नहीं तो दोनों आंसर नहीं होंगे। फाइंड द इंटीजर्स सर, लेंथ सॉरी पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या हो गए? 17 एंड 17 प्लस 1 व्हिच इज 18 आर 17 एंड 17 प्लस 1 और 17 एंड 18। रोहन्स मदर 26 इयर्स ओल्डर देन हिम, सो थर्ड पार्ट, लेट द लेट रोहन्स प्रेजेंट एज x इयर्स, और बताओ मदर्स प्रेजेंट एज 26 ईयर ओल्ड, तो एक्स माइनस बड़ी होगी, नहीं तो कुछ लोग माइनस 26 भी कह देते हैं, बड़ी बात नहीं कि माँ छोटी है बेटे से, सब लोग सो समझ आ गया 26 ईयर ओल्ड है। अब 3 ईयर्स, अब यहाँ पर द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, अगर उसके बाद फिर रोहन की एज क्या हो जाएगी? 3x रोहन एज x प्लस 3 इयर्स एंड हर मदर्स एज, हर नहीं है भाई आप मिस गाइड बहुत करते हो क्लास में, x प्लस 26 प्लस 3 इयर्स तो क्या होगा? x प्लस 29 ईयर्स, और अब क्वेश्चन क्या करता है? 83 इज इक्वल टू x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 3, यानी रोहन की एज और उसकी मां की एज का गुणनफल, हां 3 साल बाद की इसका 360 है, यस सर। तो x में हम किससे मल्टीप्लाई करें? x प्लस 29 और फिर प्लस 3 में किससे करें? x स्क्वायर प्लस 87 में से ये जरा माइनस करो कितना आएगा? 273 का ऐसा तोड़ निकालो जिससे 32 आ जाए। अरे यार
ये ठीक कह रहे हैं कि इसमें दिमाग तो लगाना ही नहीं है ना? 91 जैसे इन्होंने कहा कि 21 और 13 बहुत बड़ी बात कही है कि 21 और 13 21 और 13 शिवम क्विक हिटर है। मैं हर फील्ड में इनको देखा हूँ 21 और 13 इनका कोई सानी नहीं बहुत इजी है। हर चीज में इन्होंने कवर उसका भी कितना आसान है। बर्थडे में गाना बजाने से अरे मैं काम बजाने भी तो बजाने सर लेकिन माइनस 21 होना होगा और माइनस अच्छा इसकी बात हो गई तो प्लस प्लस में लग रहे हैं एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा ना 32 छोटा वाला माइनस में होगा ना सर 32 माइनस में होगा सर माइनस 32x होगा हमें क्या चीज चाहिए माइनस 32x होगा माइनस 32 प्लस 20 ये बन रहा है 13 3 जा हाँ सर बन ही नहीं रहा 13 3 जा 13 के साथ 3 बन रहा है 39 बनेगा हाँ ये सही है और माइनस 7x और माइनस हाँ अब तो x प्लस 39 हाँ और माइनस 7x प्लस 39 इट इज इक्वल टू सो x माइनस 7 और दूसरा क्या है x प्लस 39 तो इससे क्या आ जाएगा x x माइनस 7 इज टू 0 और x प्लस 39 इज टू 0 और माइनस में लेंगे सकते तो हमें 7 भी लेना पड़ेगा ध्यान से सुनो हर सेंटेंस के लिए इसका रोहन का एज हो जाएगा 7 साल इसकी मम्मी का एज हो जाएगा 34 मम्मी का एज हो जाएगा नहीं 33 नहीं मम्मी का एज होगा 7 प्लस 36 ना प्लस 33 हां 33 इयर्स सो x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू माइनस 39 सो रिजेक्टेड सेलेक्टेड Rohan's present age is 7 years. Mother's age is 33 years. Is equal to 7 years. Is mother's age कितना हो जाएगा? It is equal to 7 plus कितनी बड़ी है? 26 years. तो वो कितना हो जाएगा? 33 years. अब जरा देखिए आपको फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड करना अरे सर क्यों ले रहे हो इसका टेस्ट ना लिए हम तो अभी दे रहे हैं आपको बाद में करा ही नहीं रहा बस साथ ही साथ प्रैक्टिस करते चलो बाद में भी करवाओगे आप भी करवाएंगे जो आपका फिर टेस्ट होगा सर फिर से बना फिर करेंगे एक ही बार में कर लो ट्राइग्राम बनाने
के बजट प्रोजेक्ट की पूछता हूं सर, बर्थडे कार्ड के लिए फोटो वाला बैठ गया सर, एक सेकंड लेके दिया आपने सर, दो सर एक बस वो नीचे का देखना, तीन साल बढ़ा दिए दोनों के, दोनों का प्रोडक्ट किया और जैसे तुम डिस्ट्रीब्यूटर ने लगाती वही लगाया कि नहीं, कैसे? अच्छा पहले वाला क्या, x का पूरे में मल्टीप्लाई और 3 का पूरे में मल्टीप्लाई, हां और जो आ गया क्या आया, ये आया उसको फिर सर एक मिनट, उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन सर नहीं हो जाएगा, हम चलो से स्टार्ट करें, ट्रायंगल नहीं बनाना ना, हाँ मतलब रेक्टेंगल, नहीं वो जो एमसी भी है ना वो बताओ,
सब 1 2 3 करना है ना बस। इलेक्ट्रिशियन भी बुलाना है तो बस सारी इनफॉरमेशन चाहिए।
शिवम क्वेरी क्लियर हुई? नहीं, ये नहीं हो सकता। शिव रिजेक्ट कर पॉजिटिव इंटीजर की बात नहीं, इसी से बना है। ऊपर खींचना होता है डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। फोर्थ क्वेश्चन, अरे कांस्टेंट स्पीड का मतलब कांस्टेंट स्पीड है तो चेंज ना होगा। इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, सो डिस्टेंस दिया हुआ है, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है? एक्स किलोमीटर पर आवर, एक्स किलोमीटर पर आवर। तो बोलो टाइम क्या होता है? टी उसने 480 किलोमीटर चला और एक्स स्पीड से चला तो कितना टाइम लगा होगा उसको? 480 स्पीड से है ना, 480 किलोमीटर चला, 480 किलोमीटर चला और एक्स स्पीड से चला, 480 बाय एक्स कितना टाइम लगा होगा? 480 बाय एक्स, सो 480 बाई एक्स से उसका टाइम टेकन है। लेकिन अगर स्पीड कम हो जाए तो क्या ज्यादा समय लगेगा? तो कितना ज्यादा समय लगेगा? अगर 8 किलोमीटर लेते हो तो 3 आवर ज्यादा होता है, 3 आवर ज्यादा लगेगा। नहीं, यानी इसमें लगा समय और जो पहले जिस समय जा रहे हैं, ये क्या सर? फिर से समझो कि ये टाइम है, जब स्पीड कम हो गई तो ये नया टाइम है t2 टाइम, जब डिले हो गई, समझ गई? अब ये क्या है? t1 टाइम है, जबकि टाइम से चली बिल्कुल अपनी स्पीड से। डिस्टेंस के फार्मूला से निकाल, समझ में आई बात? है तो वही फार्मूला, तो डिस्टेंस अपॉन न्यू स्पीड। तो जितना तुम डिनोमिनेटर छोटा करते जाओगे उतनी चीज बड़ी होती जाएगी, दिस इज स्मॉलर, तो बड़ा होता चला जाएगा। नहीं तो बताओ, अगर स्पीड कम हो गई तो क्या ये वैल्यू बढ़ गई? बढ़ गई सर। ठीक है, सो उसने कहा यदि स्पीड 8 किलोमीटर ट्रेन स्लोवर हो जाए तो क्या ये समय 3 घंटा ज्यादा लगेगा? तो पहले वाले समय और नए समय का डिफरेंस कितना हो गया? ये 12 घंटे लेती तो 9 घंटे में क्यों पहुंचे? समझ आई बात? नहीं वो ले लेंगे, लेकिन आप ये समझ में आ गए ना कि दैट इज इफ ट्रेन वुड हैव बीन 3 आवर 8 आवर्स 8 आवर्स स्लोवर देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर बोलो बात सही है बताओ तो अब इसमें हम क्या लेंगे एलसीएम सर डिस्टेंस के फॉर्मूला से नहीं निकल सकते उसी से हमने किया डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम से भी तो निकल जाता सर इधर वो मैं इधर कहना सेटेक्स स्क्वायर माइनस एटेक्स शर्ट सो ये चीज हो गई ठीक है ये क्या कह रहे हैं कि बताओ डिस्टेंस क्या होती है स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम और अब नए केस में x माइनस 8 है तो y प्लस 3 है 3 हो जाएगा नया टाइम 3 घंटा और सर इससे निकाल सुनिए
तो हम इसमें दो वेरिएबल नेसेसरी नहीं ले जाना चाहते हैं, क्योंकि ये पिछले चैप्टर का सवाल होता है, वहाँ तीन ऐसे सवाल थे, तो वहाँ हम दो दो वेरिएबल लिया करते थे और फिर इनको कंपेयर करके रख देते थे। लेकिन अनुराग का कहना है सर दो वेरिएबल की बात नहीं है, अब यहाँ पर टी की जगह मैं क्या रख दूँ। देखो अनुराग कुछ और बात कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि टी इज इक्वल टू सर आप 480 बाई एक्स क्यों नहीं रख देते, एक्स नीचे ले जाओ, समझ में आई। तो अब 480 इज इक्वल टू एक्स माइनस 8 और यहाँ टी की जगह क्या रखना चाहते हैं 480 बाई एक्स और प्लस 3, लेकिन उससे भी बहुत ज़्यादा आपको कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, रखने को तो हम कर दें। तो जैसे 480 इसका मल्टीप्लाई, ये सिंपल नहीं लग रहा है क्या? चल लेकिन इसके एलसीएम कैसे निकालें? टाइम वो हम बता देंगे, लेकिन ये क्या है बताओ, टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये नया टाइम है कि नहीं, जो कि ज्यादा है, स्पीड कम तो टाइम ज्यादा, और ये पुराने टाइम में 3 घंटे का डिफरेंस हुआ। अब देखो अब यहाँ पर इससे इसको डिवाइड करो, कितना बचा? x² - 8x बचा, x से ऊपर मल्टीप्लाई करो 480x, अब इससे इसमें डिवाइड करो, इससे इसमें डिवाइड करो, x कटा, x माइनस 8 बचा 472x, तो 480 में x माइनस 8, बोलो बात सही है? इससे इसमें डिवाइड किया, ये बचा, अब काट दो और इसका ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, बोलो प्राची समझ में आई बात? अब देखो 480x, सब में से 480 कॉमन ले लो ऊपर जरा, हैं? ये लाइन समझ आई? नीचे वाला समझा लो, नीचे वाला। अच्छा, ये क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए कि अगर हमारे पास जो दो तरीके के टाइम है, बंद हो गया ये, क्या? तो बंद ही है। ये देखो, टाइम व्हेन इट इज ट्रेन इज इन टाइम, अगर दो तरह की ट्रेन है, टाइम अलग अलग टाइम लेगी, स्पीड कम कर दोगे ज्यादा टाइम लेगी, स्पीड बढ़ा दोगे तो कम टाइम लेगी। तो एक है कि डिले टाइम और एक क्या है बताइए, इन टाइम। तो बोलो डिले जब ट्रेन होगी कब? जबकि धीमे चलेगी, स्पीड धीरे हो जाएगा, है ना? तब टाइम, तो कितने देर का डिले कर रही है, कितनी लेट पहुंचे? 3 घंटे। टाइम का फार्मूला बताओ, मान लो अगर वो जोधपुर से दिल्ली जाती है और 480 किलोमीटर है, तो यही फार्मूला लगाएंगे, तो डिस्टेंस तो वही रहेगी, लेकिन किसने ट्रेन को डिले किया, उसकी स्लो स्पीड में, एक्स उसकी स्पीड नॉर्मल स्पीड है। सवाल भी तो पढ़ाता हूँ कभी कभी, बोलो। और अब अगर वो टाइम पे चले तो ये है, उसकी तब स्पीड ये है, तो बोलो 3 है, 3 घंटे का अंतर हुआ। अब बताइए इनका एलसीएम क्या हुआ, इससे इसमें डिवाइड किया, एक्स से मल्टीप्लाई करो, 480x, इससे इसमें डिवाइड करो, इससे इसमें मल्टीप्लाई करो, 480x - 8 इट इज इक्वल टू 3, 480 कॉमन ले लो, ले लिया, तो बोलो x - 8 बचा क्या? और नीचे की चीज क्या उधर ले जाओगे, बोलो नीचे की चीज वहां ले गए, x से x कट गया, लेकिन माइनस और माइनस में भी क्या हुए, 3 नीचे ले जाओगे, तो 3 नीचे ले जाने से क्या होगा, ये ठीक कह रहे हैं, क्योंकि 3 ले जाने से इन्होंने बता दिया 160 माइनस 1280 = 0 बताइए। सर वो वाला नहीं लिखे ना, वो भी हम करा देंगे, ऐसी बात नहीं, नहीं मत कराओ,
हमने ये बताया, ये समझ में आ गया तो ये ले लो, क्योंकि आपका वन वेरिएबल वाला चैप्टर है ना, हम क्यों दो वेरिएबल में। तो ये 1280 है, अब 2 है तो 640 है, अब 2 से 320 है, 2 से करो 160 है, 2 से करो, 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 5 से करो। ये सब चीज जानते हैं, सब देखो जानते हैं। 8 को कैसे करा जाए, 8 2 2 4 2 8 2 16 32 5 2 10 अच्छा इसकी स्पीड हो गई, अब ये पूछ क्या रहे हैं, फाइंड द स्पीड, सो स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, जो इस सवाल को कर ले वो घर जा सकता। अरे सर एक बार कॉपी कर लेना, जल्दी दो, जल्दी दो, वो धीमी हो जाती कभी, बोलो क्या पूछती हो क्या। सर आपने वो गलत लिखा है, 100 किलोमीटर।